हेलो इट्स मी लॉन्ग टाइम नो सी एंड आई एम बैक फ्रॉम मिनिमलिस्ट हेवन सो टू स्पीक और सॉरी फॉर मेकिंग दिस वीडियो लेट बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ा कहानियों को और कैटलॉगिंग वगैरह में टाइम लगता है जिसकी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि ईमेल किया करें स्टोरीज बहुत सारी मुझे पता है स्टोरीज इंस्टाग्राम तो मुझे खो चुकी हैं क्योंकि नए मैसेजेस आते हैं ऊपर पुराने नीचे चले जाते हैं आगे पीछे हिसाब पता हो जाता है फिर उसके बाद ढूंढते रहो मिलती नहीं है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे कम भेजें ईमेल अगर हो सके डजेंट मैटर ऑडियो हो या कुछ भी हो ईमेल किया करें ईमेल एड्रेस हर वीडियो में मौजूद है पुरानी देखें नई देखें तो उसको देख के ई किया करें और उसकी बेसिस पे फिर ये होता है कि कैटलॉग में एक चीज़ होती है ना तो वो सामने रहती है तो आगे पीछे नहीं होती तो खैर देटाइड द पॉइंट और एवरी वन नोज वट गोइंग अराउंड और दुआ करें कि ये कोरोना एपिडेमिक जो है ये किसी तरह ख़त्म हो ज़िंदगी जो है वो वापस उस तरीके कार पे वापस आ जाए जिस पे हम रहते थे क्योंकि मैं ख्याल आई स्पीक फॉर एवरी वन के हम सब पक चुके हैं इससे तंग आ चुके हैं और जितनी पॉडकास्ट घर पे बैठ कर सुन लो और सब कुछ कर लो लेकिन फिजिकल एक्टिविटी फिज़िकल एक्टिविटी होती है और उसके बगैर मज़ा नहीं आता तो लेट्स गेट डायरेक्टली टू बिजनेस वैसी बहुत देर हो चुकी है और पहली स्टोरी हमारी एसएस से आती है जो कहती हैं कि बेसिकली ये इंडिया से न्यूयॉर्क मूव हुई थी 2016 में जनवरी का महीना था और जगह ढूंढ रही थी ये बेसिकली रहने के लिए लेकिन उतने वक्त तक एक गेस्ट हाउस कह लें में जैसी जगह यानी किराए पे एक जगह कमरा ले लिया था और वहाँ रहनी थी तो ये कहती हैं कि इनको एक फर्स्ट फ्लोर पे रूम था और भी लड़कियाँ रहती थी लेकिन कोई इन मतलब कॉमन किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी उनमें तो ये थोड़ी सी अकेली थी जेट लैग का भी इशू था टाइमिंग डिफरेंस वगैरह वगैरह तो कभी औखे टाइम पे नींद आ जाती थी उस तरह हो जा चल रहा था मामला तो ये कहती हैं कि इसे एक दिन एक मतलब जब नींद आई रात को तो ये सो रही थी तो इनकी अजान की आवाज़ से आंख खुली ये नींद में उठी और आ, मतलब यही सोचा कि अजान नमाज वग़ैरह के लिए तो तैयारी की है कुछ पढ़ा वगैरह एक्सेट्रा बाद में ख्याल आया कि यहाँ कैसे अजान हो सकती है ये न्यूयॉर्क है तो बहरहाल सो गई अब इस बात को मतलब वहम समझ के छोड़ दिया कि अजान की आवाज़ आई थी और नींद में होंगी और आ, होम सिकनेस की इशू की वजह से इनको ऐसा लगा कुछ अरसे के बाद ये कहती हैं ये होश में थी तो विंडो के पास ही इनका बेड होता था वहीं सोती थी तो लेटे लेटे फिर एक अजान की आवाज़ आई खिड़की के बाहर से और कहती हैं इतनी प्यारी आवाज़ थी कि डर नहीं लगा क्योंकि ऑफिस सी बात है जब कोई मस्जिद ही गरीब में नहीं है और वहाँ अजान देने का चक्कर नहीं है तो फिर ये कैसे आवाज़ आई तो ये नमाज पढ़ी और सो गई कहती हैं कुछ अरसे के बाद वो घर छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए लिया था रूम लेकिन आज भी टू गेट्स गूज बम्प्स थिंकिंग अबाउट द होल इंसिडेंट्स और कहती हैं कि नोट मतलब uh, uh, जो uh, हमारे मुलाकातें होती हैं विद जन्नाथ आर ऑफ द बैड काइंड तो थैंक यू फॉर देट स्टोरी डबल एस और इसके बाद हम आगे बात करते हैं एक डिफरेंट टाइप की डैनी साहब लिखते हैं हमें ऑस्ट्रेलिया से ये कहते हैं कि ये और इनके एक दोस्त एक दूसरा शहर जिसका नाम वागा वागा है या कुछ और है जो अगर तो प्लीज लेट मी नो उधर गए थे बेसिकली एक पेपर देने के लिए एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ते थे पता नहीं चार्ल्स समथिंग करके चार्ल्स लाइक दैट तो उधर ये गए हुए थे और ऑफ सीजन था यानी छुट्टियां हुई हुई थी तो यूनिवर्सिटी भी खाली थी तो इनको एक, एक, एक एक्स्ट्रा कोई पेपर्स देने थे जो इनके क्या नहीं हो सकते थे तो दूसरे कैंपस गए थे ये वो पेपर्स देने तो ये कहते हैं कि अब जब भी वहाँ पहुँचे तो सब वेकेशंस पे थे कोई स्टूडेंट थे नहीं और क्योंकि ये भी स्टूडेंट थे तो नहीं सोचा कि जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स होते हैं वहाँ रूम पकड़ लेते हैं सस्ता पड़ेगा तो ये वहाँ चले गए बकौल इनके कि वो जगह वैसी हॉन्टेड लग रही थी कोई तो था ही नहीं बड़ा सा रूम मतलब डॉर्म और कोई भी नहीं अब ये वहाँ थके हुए पहुँचे थे तो इन्होंने अपने दोस्त को कहा कि भाई शावर लेते हैं सो जाते हैं तो उधर तो जो शावर का सिस्टम होता है भाई वो एक हॉल में क्यूबिकल बने होते हैं वहाँ नहाओ और निकल गया क्यूबिकल में से आ जाओ तो कहते हैं कि ये अंदर नहा थे तो इनको एक फील हुआ जैसे कि क्यूबिकल के पास कोई साया सा कुछ मतलब आया इनको लगा कि इनके जो दोस्त हैं वो इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सन्नाटे वाली जगह कोई है ही नहीं तो इन्हें आवाज़ दी उसको कि भाई मतलब क्या ड्रामे कर रहे हो ये जो होता है कहते जैसे ही आवाज़ दी तो उसने कोई ऐसी कोई लड़की की आवाज़ में ऐसी कोई चीख सुनाई दी कि ये तो हड़बड़ा के बस वहाँ से मतलब कपड़े पहने भाग वो वाला ऐसा हुआ अपने कमरे में पहुँचे तो इनके दोस्त वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने अपने दोस्त से बोला कि भाई ये जो ड्रामा था मतलब ये तुमने किया या मतलब चीख ये वो तो उसने बोला नहीं मैं तो उस वक्त कॉरिडोर में था कि मुझे चीख की आवाज़ आई तो ये मतलब दोनों हैरान हो गए मतलब खाली उसमें लड़की और भी बॉयज़ उसमें एक लड़की की चीख तो उसके बाद ही ने मोटल ले लिया और उसने जहाँ जान छोड़ाई उससे तो थैंक यू फॉर दैट स्मॉल एक्सपीरियंस अब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त हमजा की हमजा साहब ये कहते हैं कि ये बेसिकली वाबा लाहौर की बात है उन्नीस सौ चौरानवे की नाइनटीन फोर एथज उस ज़माने में वहाँ घर बनाया था इनके घर वालों ने जब आस पड़ोस में एक किलोमीटर तक कुछ नहीं था इन खाली प्लॉट तो कहते हैं कि जब यह घर बना था और इनकी वालदा और मतलब फैमिली इनकी मूव इन हुई थी उस वक्त ये पैदा भी नहीं हुए थे तो कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर की खिड़की ऐसी थी कि उसके बाहर कोई छज्जा या कुछ भी नहीं था तो मूव इन होने के कुछ दिन के बाद इनकी वालदा ने वहाँ पर एक आदमी को रात में बाहर खड़े देखा। ओबियसली उन्होंने पूछा लोगों को मतलब उठाया लेकिन उस वक्त तक वो गायब हो चुका था वहम समझ के इस चीज को इग्नोर कर दिया गया अब फास्ट फॉरवर्ड टू 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 थाउजेंड एंड टू ये उस वक्त तक पांच साल के हो चुके थे इनके छोटे भाई भी आ गए थे दो साल के अब ये नीचे बाहर गराज में खेलने थे वो जो घर वाले बाहर थे इनकी वालदा सिर्फ घर में थी अब घर में किचन में कुछ बनानी थी सबको लेके जाने के लिए चाय और खाने को कुछ बाहर तो ये जब सामान लेके नीचे निकलने लगी तो मेन डोर के पास एक आदमी एक ब्राउन से कोट जैसी चीज़ में खड़ा हुआ उसके हाथ में कुछ ट्रांसपेरेंट सा इनके सामने से होता हुआ गया और इनके बेसिकली जो हम हमज़ा के ग्रैंड के दादा के कमरे में जाके गायब हो गया ये हक्का बक्का रह गई और ये बाहर निकल के उन्होंने ये सारा माजरा बताया तो लोगों ने बोला भाई तुमने काम ज़्यादा कर लिया और ऐसी जो बातें करते हैं तो ये करके बात को टाल दिया अब इसके भी कुछ सालों के बाद 2014 की बात है क्योंकि ये तो आए दिन एक सिलसिला चल रहा था और अब इग्नोर करना शुरू कर दिया था कि हमजा साहब खुद जो थे तो सत्रह साल के थे और कहते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से ही अपने दादा के कमरे में थे दादा के पास ही सो रहे थे तो खिड़की खुली हुई थी और बाहर से चांद की रोशनी आती थी अंदर तो ये लेटे हुए थे तो एकदम से इनको मतलब फॉर सम रीजन इनकी आँख खुली तो खिड़की की तरफ देखा तो कुछ नहीं था लेकिन जब मुंह मोड़ के देखा तो एक हल्की सी धुंध सी बनी हुई थी बाथरूम के दरवाजे के सामने उसको तो देख के जब हैरान की तरफ से उनके उस तरफ मुंह मोड़ा तो इन्हीं देखा कि उस धुंध के बीच में एक लड़की उकड़ू बैठी हुई इनको देख रही है हैरत सी उठ के बैठ गए जब उठ के बैठे तो देखा वो धुन भी गायब वो लड़की भी गायब तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि जो इनकी वालदा बातें करती थी वो हवा में नहीं होती थी अब बोल रहे हैं कि उस दिन के बाद से इनको आए दिन कभी कभी वो नज़र आती थी आगे पीछे लेकिन फिर फाइनली 2000 मतलब इस बात की भी तीन साल के बाद 2017 में तो फिर ये पता चला कि उनके घर में एक फ़ैमिली रहती है छत पे जिसको तंग करो तो फिर वो परेशानी करती है अदरवाइज वो अपना रहती है और किसी को तंग नहीं करती तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी और आगे बढ़ते हैं उसको लेके और बात करते हैं हमारे दोस्त डॉक्टर हसीब की जो कि एक्चुअली डॉक्टर हैं अनलाइक मी तो ये कहते हैं कि ये 2015 में स्टडी करने गए हुए थे चाइना अब एक साल तो ये हॉस्टल में जो इनका था पुराना उधर थे लेकिन एक साल के एंड पे मतलब यूनिवर्सिटी वालों ने कोई नया हॉस्टल बना के इनको और वहां रवाना कर दिया कि भाई अब सब वहां शिफ्ट हो जाओ तो ये पहले बैच में थे जो कि वहां शिफ्ट हुए अब बिल्डिंग में एंटर होते ही कह रहे कुछ अजीब फीलिंग तो आई लेकिन जाहिर सी बात है अब आप ऐसे मामले में बेगर्स कांड भी चूजर्स यूनिवर्सिटी लेकिन नया हॉस्टल बना दिए जा जाना तो है अब ये कहते हैं कि जब से वो शिफ्ट हुए तो कभी ऐसा होता था कि भाई आठवें फ्लोर पे होते तो ऐसा लगता है नवे पे कोई टाइलों को मार रहा है किसी हथौड़ी से या किसी चीज़ से या फिर ये किसी दोस्त के कमरे में घुसते थे या सातवें फ्लोर पे अपने कमरे में घुसते तो ऐसा लगता था कोई जल्दी से खिड़की के रस्ते भाग गया वहां से तो ये कोई आम बात मतलब वहां की थी और भी लोगों को महसूस होता था लेकिन कभी किसी ने नोटिस इस सच इतना नहीं किया कि ये हो रहा है कि एक दिन ये कहते हैं कि ये रात के साढ़े ग्यारह बज गए थे और ग्यारह बजे कैंटीन वगैरह सब हॉस्टल बंद हो जाता है तो इन्हीं ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया और वो राइडर जो था वो खाना लेके रात को बारह बस सवा बारह ऐसे कुछ टाइम पे पहुंचा अब करना कुछ नहीं था उसने गेट पर रख दिया ये गेट में से हाथ डाल के निकालना था वापस अंदर जाना था तो ये उतरे कॉरिडोर में से तो कॉरिडोर में ज़्यादातर वो वाली लाइट्स लगी थी जो सेंसर लगा होता है मूव करो तो फिर वो आ जाती अब ये गए सामान लिया बिल्कुल नॉर्मल वापस आने लगे तो कहते हैं कि जब तो अपने कॉरिडोर में एंटर हुए आखिर में इनका कमरा था तो एक आ, क्या कहते हैं रास्ते में एक टेबल रखी हुई थी जैसे कि वो सफाई के लिए टेबलें मतलब वो कार्ट लेके टेबल जैसी लेके आते हैं तो ऐसी टेबल रखी हुई तो ये अपना जा रहे थे कि एकदम से इनकी नज़र पड़ी तो देखा नहीं इन्हें कि टेबल के नीचे कोई एक से डेढ़ साल के बच्चा खड़ा हुआ इनको देख रहा है ये तो हक्का रह रहेगा कि ये क्या हुआ और ये बच्चा कहाँ से आया बंद उसमें अभी उसको देख के पहले तो फ्रीज हो गए उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत ने पकड़ी आयतें वगैरह पढ़ के जैसे ही दूसरा या तीसरा कदम रखा तो वो बच्चा इनकी आंखों के सामने गायब हो गया ये जल्दी से अपने कमरे में गए सामान रखा और बैठ गए इनके रूममेट ने पूछा इनको क्या हुआ तो इन्होंने बताया सब कुछ लेकिन उसके बाद देखा कि तो उनको बुखार हो चुका था और जब तबीयत बेहतर हुई तो पता चला कि दो ढाई बजे के करीब उस पूरे हॉस्टल uh, में जो भी लड़के रह रहे थे उन सब के साथ ऐसा कुछ ना कुछ हो ही रहा था तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी तो हम अब आगे बात करते हैं रहमान साहब की रहमान साहब की स्टोरी दो पार्ट्स में है वो अपने नाना की कहानी बता रहे हैं कि प्री पार्टीशन के ज़माने में मुरादाबाद में इनके नाना रहते थे और ये जब से ये जानते हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट नमाजी थे और ऐसा हो नहीं सकता था कि ऊंच नीचे देर हो जाए और टाइम पे नमाज पढ़ते थे अब तक एक था कि ये पैदल कहीं सफ़र कर रहे थे तो एक वीरानी जगह से गुजर रहे थे इनके दादा तो पैदल चलते हुए मतलब मगरिब का टाइम हो गया जंगल व्याबान वीरान टाइप की जगह थी आगे पीछे इन्हें देखना शुरू किया कि मतलब कहीं तो कोई मस्जिद बनी हुई होगी तो उनको एक जगह नज़र आई मस्जिद सी नज़र आई वहाँ पे लोग भी नज़र आए तो ये फौरन वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके इन्होंने वजू वग़ैरह किया और उसके बाद नमाज पढ़ना शुरू हो गए अब नमाज पढ़ते पढ़ते मतलब जब नमाज ख़त्म करने का टाइम आया तो इन गर्दन एक तरफ की सलाम करने के लिए लाम फेरने के लिए तो इन्हें इस जब एक तरफ़ देखा तो कोई नहीं फिर जब दूसरी तरफ गर्दन घुमाई तो वहाँ भी कोई नहीं तो ये शौक में चले गए और जल्दी से नमाज अप करके खड़े हुए तो देखा पूरी मस्जिद थी खाली है। तो जो चहलकदमी और जो लोग थे वो तो थे ही नहीं वहाँ हैरानी से वहाँ से निकले और डर भी बड़ा लगा कि ये क्या हुआ और सीधा जहाँ जा रहे थे वहाँ की तरफ रवाना हुए वहाँ पहुँचने के बाद ये पूरा माजरा उन्हें कुछ लोगों से पूछा कि ये ऐसा ऐसा मैंने देखा और हुआ तो पता उन्होंने वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई रास्ते में एक वीरान जगह में एक खाली मस्जिद नज़र आती है जहाँ कोई नहीं होता कहा यह जाता है कि वो जिन्नात की मस्जिद है और वहाँ वो अक्सर मुसलमान जिला के नमाज पढ़ते हैं तो ये तो उनकी एक ढेड़ोमन की स्टोरी थी अब एक उनकी टीन की स्टोरी की बात करते हैं जहाँ से शायद ये आ, इनके अंदर नमाज की पाबंदी और इन सारी चीज़ों का अमल बैठा तो ये कहते हैं हमारे दोस्त रहमान साहब की जब इनके नाना एक टीनेजर थे तो इनके एक दोस्त ने इनको एक पर्चा ला के दिया मजाक मजाक में बोला है कि वजीफ़ा है रात को तीन बजे पढ़ लेना ऐसा होगा वैसा होगा और एक चैलेंज और एक डेयर और एक तफरी के हिसाब से ये बात हो रही है प्री पार्टीशन के दौर की तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी लोगों की तो बींग टीन एजर और इतनी अकल तो थी नहीं उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये करके भी देख लेते हैं तो रात को तीन बजे ये ऊपर वाले फ्लोर पे अपने घर के गए और एक कमरे में बैठ के इन्हीं ने वो पर्चा पढ़ना शुरू कर दिया वो पढ़ते पढ़ते एकदम से इन्हीं निन जब सामने की तरफ इनकी नजर पड़ी तो नींद देखा बाल लटक रहे बाल लटकते हुए देख के हैरत हो के जब इन ऊपर की तरफ देखा पंखे की तरफ तो पंखे से एक औरत उल्टी लटकी हुई थी जिसके इतने बड़े बाल थे कि वो नीचे तक लटक रहे थे उनको देख के मुस्कुरा रही थी ये छोड़ छाड़ के सब ऊपर भागे और घर वालों पे घुस गए और उसके बाद जो तहस नहस बुखार की तबीयत इनकी ख़राब हुई तो कुछ दिन तक तो ये हिलने के काबिल नहीं रहे और उसके बाद ऐसी हरकतें तो क्या हम फिर समझ लें ये हर चीज़ की पाबंदी इन्होंने शुरू कर दी तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी एंड आई वुड लाइक टू नो के इस एपिसोड के बाद जो इनके नाना के साथ हुई या आपके नाना के साथ हुई रहमान साहब कुछ और हुआ या बस इसके बाद ये कभी मतलब उस औरत का तज, मतलब कोई शक्ल या कुछ नजर नहीं आई तो विदाउट सटन डन हम आगे बात करते हैं सकीना साहेबा की जो लिखती हैं कि 2016 की बात है कि ये लोग सारे इस्लामाबाद गए हुए थे ननियाल में इनके मामू जो थे बेसिकली घर शिफ्ट कर रहे थे और शिफ्टिंग के दरमियान मतलब ये लोग वहाँ पहुँचे तो और इनकी मदद कर रहे थे ये छोटी थी दस बारह साल की तो ये इधर उधर खेल कूद में लगी बकौल इनके वहाँ भी पहुँची तो अजीब सी वो फीलिंग आ रही थी अजीब सी वो वहशत सी हो रही थी लेकिन ये बच्ची थी छोटी तो खेल कूद में लगी तो अटेंशन डाइवर्ट हो गई और बाकी लोग जो थे जो बाकी सामान रह गए थे बाकी पैक करा रहे थे और ये करते करते कहते हैं कि ये रात के आठ नौ बज गए ये सामान इन्हें गाड़ी में रखा सब गाड़ियों में नए घर पहुंच गए या ऑलरेडी मेरे ख्याल बड़ा सामान तो रखा हुआ होगा ये छोटे चीज़ें रह गई थी तो वहाँ लगा के चीज़ों को सेट करने लग गए सारे लोग तो ये अपने लगे हुए थे खेल कूद में के रात के करते करते ये सब कुछ बारह बज गए और सब हार के मतलब सोने की तैयारी करने लगे किचन के साथ एक कमरा था जहां इनकी मामी इनकी बहन और इनकी वालदा इनके समेत सोने के लिए चले गए कहते बेड पे बीच में ये लेटी हुई थी एक तरफ बहन थी एक तरफ इनकी वालदा थी और मामी भी थी दूसरे साइड पे किसी कमरे के अब ये कहती हैं कि ये एक सो मतलब तो थक हार चुके थे सब तो बिल्कुल सो गए थोड़ी देर में इनकी आँख खुली तो कोई ढाई तीन या ऐसा कोई टाइम था और हैरत अंगेज़ तौर पर नहीं तो आँख खुल गई इनकी अब ये कोशिश कर रही हैं लेकिन इनको नींद ना आए और अजीब सी कैफियत इस कैफियत में इन्हें देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला और उस कमरे में एक औरत आराम से एंटर हुई तो औरत ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे सफ़ेद और उसके सर बाल भी सफ़ेद ही थे और बिल्कुल हल्के हल्के चिद्र चरे बाल थे कि सर भी नज़र आ रहा था उसका वो कुछ मोमबत्ती या कैंडल टाइप की चीज़ उसके हाथ में थी उस जैसी चीज़ को लेके वो एंटर हुई और चलती हुई गई और जाके एक टेबल स्टडी टेबल रखी हुई थी उसके पास जाके खड़ी हो गई अब ये उसको देख के डर भी गई और ये अपनी बहन को कोनिया मार रही लेकिन वो हिल नहीं रही वो जाग ही नहीं रही बकौल इनके डर के मारे इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी ये अपनी मामा को हिलाना शुरू किया इनकी मामा का भी कोई रिस्पांस नहीं आया और ये बिल्कुल उसको देख के इतनी खौफजदा हो गई थी कि ये कांपना शुरू हो गई इस दौरानिए में एकदम से इनकी मामी की इनको आवाज़ आई उन्हें दूसरी तरफ देखा तो देखा कि इनकी मामी इनकी तरफ देख के इनको आवाज़ दे रही है कि क्या सब खैर है लेकिन क्योंकि अब मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी तो वो समझी कि शायद सो रही है करवटें वगैरह बदल ली है नींद में तो खैर है वो वापस लेट गई फिर जब इनकी नज़र दोबारा पड़ी उस जगह पे तो वहां कोई नहीं था अब चोटी थी थकी हुई थी तो वह किसी तरीके से रात गुजर गई और कब आंख लगी पता नहीं चला लेकिन जब सुबह उठी तो शोर शराबा देखा तो उस जिस कमरे में सोनी थी उसको बिल्कुल बाहर मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई थी जो कि रात में नहीं थी लेकिन जब सो कर उठे तो एक वो पड़ी हुई थी तो कह रहे हैं खैर से ये तो उसके बाद वापस कराची चली गई तो इस चीज़ से इनकी जान छूट गई लेकिन वो क्या थीन था उनको आज तक वो याद है और एक मतलब क्रिस्टल क्लियर उसकी इमेज उनके जहन में और उनको नहीं पता कि वो क्या था तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी सकीना और प्लीज पूछे मामू लोगों से कि उसके बाद कुछ हुआ गया बस उसी पे चैप्टर क्लोज हो गया अब आगे बढ़ते हैं और मज़ीद बात करते हैं ऐसी चीजों की हमारे दोस्त नीरज साहब लिखते हैं इंडिया से कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में थे जोधपुर बेसिकली तो इनके एक दोस्त थे निखिल अगर नामों का सत्याराज करो तो आई एम सॉरी निखिल उनकी शादी थी जो कि एक पास ही गाँव के थे तो उनकी शादी थी दावत आई हुई थी तीन दोस्तों को जिनमें से एक ये थे एक अनिल साहब थे अनिल अनिल साहब थे और एक और साहब थे कार्तिक अब दो दोस्त ये साथ में हॉस्टल में शेयरिंग में या रूम में रहते थे ये हो गए और कार्तिक साहब हो गए अनिल साहब जो थे उनका घर था करीब में फैमिली के साथ रहते तो फैसला ये हुआ कि भाई अनिल साहब का मोटरसाइकिल है तो ये दोनों दोस्तों को बिठाएंगे चले आएंगे और उनके दोस्त जो है वो आ, निखिल उनके गांव जाएंगे रात गुजारेंगे शादी वगैरह अटेंड करके अगले दिन वापस आ जाएंगे सैर सपाटे तफरी वाला प्रोग्राम अब एक रूट इन्हीं ने निकाला कि भाई ये एक रास्ता जाता है उसके गांव तक तो ये वो बाइक पकड़ा और निकल गए दोपहर में और बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता था ना कोई ट्रैफिक ना कुछ आराम से मोटरसाइकिल पर निकलते गए दोनों तरफ आ, वीराना वीराना सब और आराम से पहुँच गए खूब मौज मस्ती हुई शादी अटेंड की सब कुछ हुआ अगले दिन ये अपनी करते करते एक्टिविटीज़ वगैरह रात हो गई अब उस वक्त फैसला हुआ कि शाम हो चुकी है और ये कुछ ज़्यादा हम रुक गए अब हमको निकलना चाहिए तो तीनों दोस्त जो थे वो खैराबाद करके बाइक पे बैठे और निकल पड़े अब उसी रास्ते से जिससे ये आए थे उससे जब ये निकले तो रात में हमारे दोस्त जो है नीरज ये कहते हैं, मुझे रोने की आवाज़ें आने लगी बूढ़ी औरतों की और ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कि कुछ जल रहा है और फिर चीखेंगी और रोगी रोने की तो ऐसा लगा कि जैसे किसी औरत को आग लगाई हो और वो रही हो ऐसी तकलीफ वाली आवाज़ें वो आने लगी और ये बाइक पे जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं ये कैसी आवाजें और सोच रहे हैं कि ये तो हवा चल रही होगी इस तरह की आवाज़ की वैसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है उतनी देर में अनिल साहब जो बाइक चला रहे थे उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई आवाज आई तो उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा सा जो है ना बेटर वर्ड सा है तो क्या कहते हैं उनको बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं है तुम तो बाइक पे ध्यान दो दे रहा है कहीं आगे पीछे पलट पलट के बात करने के चक्कर में कहीं मार नहीं दे रहा कोई भी नहीं आगे पीछे बस बाइक चलाओ अब वक्फन रख, वो आवाज आती रही और वो बार बार अनिल को मुड़ के पूछता रहा के, तुम्हें कोई आवाज आई तो उसने बोला कोई आवाज़ नहीं है सीधा ध्यान दे सीधे चलाओ सीधी, चला, सीधी। बाइक को चलाओ छोड़ो आवाजों को उनको पता था कि भाई अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं ऐतराफ़ से हर तरफ से आगे पीछे कोई है नहीं और ये डरपोक सा लड़का है अगर ये उसको मैंने बोला हम मुझे आ रही है ये सलाह कांपने लगेगा और कहीं बाइक वाइक गिरा दी तो इस पता नहीं गिराने में और ये कैसी अजीब सी आवाज़ें हैं कि पता नहीं कुछ भी हो सकता है डाकू वगैरह वगैरह ये जाते रहे अब जब ये जोधपुर एंटर हुए तो कहते हैं कि एक जान में जान आएगी जान में जान आने के बाद फिर ये इनको इनके ऑस्ट्रेलिया या जहाँ पे रह रहे थे दोनों अनिल छोड़ने गया तो उतरते के साथ ही फिर ये तस्करा हुआ दोबारा तो इन्होंने कहा कि हाँ आवाज़ आ रही थी उसने बोला औरतों के रोने की उसने बोला हाँ औरतों के रोने की आवाज़ आ रही थी तो वो हिलना शुरू हो गया तो वो क्या था उसने बोला पता नहीं लेकिन जिस तरह वो रो रही थी तो कोई मतलब चाहे जा, जादूगर नहीं या चुड़ाने या कुछ ऐसी चीज़ भी लगे हो सकती है जो इस तरह खौफनाक तरीके से रो रही थी तो इनके तीसरे दोस्त तो ने क्लेम किया कि मुझे तो ऐसे कोई आवाज़ नहीं आई लेकिन एक फीलिंग आ रही थी जैसे कुछ जल लाए इस तरह का लेकिन इनको आवाज़ आई उनको भी आवाज़ आई तो वो तो इतना खौफजदा हो गया कि भाई तुम लोगों ने मुझे पहले अभी क्यों बता दिया सुबह बताना था तो इनके दोस्त जो थे कार्तिक साहब वो उनके साथ गए उनको छोड़ने अब जब सुबह हुई तो इन लोगों ने फिर बात की निखिल साहब से जिनकी शादी के चक्कर में ये पूरा इवेंट हुआ था तो उसने पहले तो पूछा कि तुम किस रास्ते से गाँव आए थे उसने बताया ये वाला रास्ता लिया था सीधा रास्ता था थोड़ा कटा हुआ था और ये था वो था सो बोले तुम्हें किसने कहा था इस रास्ते से आने को मुझसे पूछना चाहिए था सो बोला क्यों बोले करो तुम लोग बच गए क्योंकि वो उधर ऐसी हरकतें बहुत सुनने में आती हैं क्योंकि दोनों तरफ उस सड़क के शमशान घाट थे कुछ नए कुछ कदीम कुछ पुराने और अक्सर रात में वहां अजीब हरकतें होती हैं तो वो अच्छा किया कि बाइक नहीं रोकी और तुम लोग मतलब निकल गए लेकिन कभी दोबारा इस तरफ से आने की मतलब सोचना भी नहीं तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी एंड इन ऑल सिंप्लिसिटी बात वही है कि तस्वूर की बात है कि अगर वो रुकते तो क्या दिखते हैं क्या होता यू नेवर नो भाई वीरानों में तो विद सेड हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त ध्रुव शर्मा की और वो उनके एक दोस्त है बेसिकली रामन अगेन uh, अगर मैं आपके नाम का सत्यानाश कर रहा हूं तो माय पॉलिटीज तो रामन साहब की कहानी है एक जगह की जो किदवाई नगर की नाम से अब ये कहते हैं कि भाई दिल्ली जो है फिर तो थोड़ी लंबी कहानी है तो थोड़ा मैं देख देख के भी पढ़ रहा हूँ ये पुराना शहर है जाहिर सी बात है और ये बेसिकली कितवा नगर जो है एक ऐसी जगह है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए रिहायशी जगह है ये और वहाँ अलग अलग किस्म के लोग हैं कोई पार्लियामेंट का है तो कोई सुप्रीम कोर्ट का है तो इस तरह के गवर्नमेंट के लोग हैं फ्लैट्स टाइप के बड़े बड़े कॉम्पलेक्सेज हैं और काफ़ी पुराने हैं कहते हैं इनके बेसिकली राम, जो रामन है इनके वालिद साहब का नाम नियान दास है और उनके भाई मयूर साहब हैं जो कि उनसे दस साल बड़े हैं और ये गालिबा उस वक्त की बात है और इनकी भाभी की आ, का नाम फरखंदा है और यह उस वक्त की बात है जब यह बारहवीं जमात में थे आ, रमान साहब अब बकौल इनके कि भाई इनकी वालदा थी नहीं बहुत पहले उनका इंतकाल हो चुका था तो इनके फालद साहब ने इनको पाला था और बेसिकली इनकी जो भाभी थी वो मुस्लिम बैकग्राउंड की थी इनके भाई जो हैं वो हिंदू बैकग्राउंड की थे तो इंटर इंटरफेथ मैरिज थी और पूरी जो फैमिली थी वो कोई ख़ास रिलीजन से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था तो नॉन प्रैक्टिसिंग करें तो ये बात 2006 हज़ार सात की है तो इनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे थे और, और ये बारहवीं जमात में थे तो उस ज़माने में इनकी जो भाभी हैं वो बल्कि उस जमाने में किदवाई नगर में एक बड़ा रेनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा था और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स क्योंकि बहुत पुरानी थी और लिविंग के लिए का सही नहीं रही थी तो वहाँ के लोगों को रीलोकेट कर दिया गया था डिफरेंट एरियाज़ में मतलब शहर की दूसरी जगहों में और वो सारा एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चल रहा था पूरी रेनोवेशन का तो जो बिल्डिंग बेहतर कंडीशन में थी जो कि इस काबिल थी कि उधर लोग रह सकें वहाँ लोग रह, रह रहे थे और बाकी जगहों के लोगों को रीलोकेट करके नए मकान दे दिए गए थे और इनकी भाभी हो गई और ये इनके बड़े भाई हो गए ये सब बेसिकली सिविल सर्वेंट ही थे इनके वाल साहब उस वक्त तक शायद रिटायर हो चुके थे तो और या नहीं हुए थे मेरे ख्याल है लेकिन बहरहाल तो ये लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे तो ये सारा प्रोजेक्ट के पार्ट ही थे ये लोग तो ये वहीं रह रहे थे उन बिल्डिंग्स उन आ, बिल्डिंग के अंदर जो अभी रेनोवेट नहीं हुई रही थी और सही थी अभी कहते हैं कि इस दौरान में ऐसा हुआ कि जो बिल्डिंग जिसमें ये मूव इन ये थे उधर काफी लोग रिलोकेट करके दूसरी जगह चले गए और रेंट पे अपने अपने मकान दे दिए तो कुछ 20, 25 ऐसे लोग थे जो कि नॉन गवर्नमेंट के थे सिविलियंस थे जो कि खाली फ्लैटों में शिफ्ट हो गए तो अब ये कहते हैं कि ये जो जिधर रहते थे वहाँ एक वो यू शेप था तो बेसिकली इनके तरफ दो फ्लैट थे उस तरफ दो फ्लैट थे तो ये जिस तरफ थे वहां पे, आ, इसको एक आप यही उस फ्लोर पे और दूसरा बराबर वाला फ्लैट खाली था अब जिस टाइम की ये बात करते हैं कि इनकी जो भाभी थी वो प्रेग्नेंट थी वॉज एक्सपेक्टिंग और उसी दर बड़ा खुशी का टाइम था कि उस दर क्योंकि ये ऑल मेल फैमिली थी तो एक फीमेल केयर टेकर अमीना नाम की उनकी वालदा ने भाभी की भेजी उनको देखने के लिए अब अमीना की जगह ने गराज एक था वो सारे बना दी थी वहाँ पे उसकी रहने की जगह थी और वो इनकी खदमत के लिए थी और उसी दौरानी में एक नया पड़ोसी इनके पास आ गया था इनकी त, आ, राइट साइड की तरफ जो कॉर्नर का था ये थोड़ा सेंटर के पास थे और वो बिल्कुल राइट एज पे था कोई अकेला लड़का बड़ा लंबा चौड़ा लहीम शहीम सा जो कि अकेला रहता था और कोई खास बातचीत नहीं करता था और बड़ा खामोश अजीब किस्म कर घेर करते थे उसकी हमेशा अपने से काम से काम तो काले कपड़ों में रहता था वो और कभी समझ में नहीं आता था कब आता है कब जाता है का, काफी दिन के लिए गायब हो जाता था और कोई मेड वेड नहीं थी जो काम था खुद ही करता था अब जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ इनकी भाभी का प्रेगनेंसी का अजीब हरकतें शुरू हो गई उनको रात में ख्वाब आने लगे और ऐसे खाब होते थे कि वो डर जाते थे अब ये वही टाइम था जब रामन रमान रामन साहब के एग्जाम भी चल रहे थे तो ये रातों को रहे होते थे पढ़ रहे होते थे तो ये कहते हैं कि ये छप्पड़ में यूथ है ना तो राइट साइड से निकल के लेफ्ट साइड पे जाते थे वहां पे छप्पड़ में जाके सिगरेट पीते थे रात रात में तो इनको अक्सर वो अकेला लड़का नजर आता था कभी बिल्लियों को खाने दे रहा है या अपने आप से कोई बातें कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा है अजीब हरकतें करता था अब ये कहते हैं कि एक रात उसके घर में से कोई बिन करके के हल्की हल्की हमिंग टाइप की आवाज आने लगी जैसे कोई रिदम के साथ कोई चीज पढ़ रहा है और ऐसी जबान जो उसने कभी सुनी नहीं थी और उसके जो है अगले दिन इसने देखा कि दिन में उस बंदे के घर के बाहर कचरे में बोटिया हड्डिया पड़ी हुई जैसे चबी हुई हो कुछ लाल लाल रंग भी पड़ा हुआ है इसको देख के उसको बड़ी हैरत हुई कि ये किस किस्म का आदमी है है ये क्या है? कच्चा गोश्त खा रहा है करके आ रहा है अब सुबह उठ के पता चला कि इनकी भाभी जो थी वो रात भर सही से सो ही नहीं सकी क्योंकि एक खाब ऐसे अजीब आ रहे आ रहे थे उनको कि जैसे कि कोई बड़ा सा आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए उसके ऊपर आया और उसने उनके अंदर से बच्चा जो पैदा होने वाला था वो निकाल लिया अब ये सुन के फैमिली जो थी उनकी उन्हीं ने बोला कि ये कुछ नहीं है स्ट्रेस है और और ये सब कुछ जो है तुम थोड़ा रिलैक्स करो लेकिन कुछ दिन के बाद यही एपिसोड हुआ स्लीप पैरालिसिस के थ्रू कि ये वो लेटी हुई फिक्स हुई थी जा गई थी लेकिन हेल नहीं पा रही थी और यही देखा एक बड़ा सा आदमी आया और उसने उनके अंदर से उनका बच्चा निकाल लिया और ले गया जिसको ऊपर फिर ये चीख मारी और उठी लेकिन फिर यही हुआ कि हसबेंड और उनके जो फादर इन लॉ थे उन्होंने यही कहा कि ये खाले अब आराम का टाइम है नौकरी वोकरी छोड़ो अब घर में आराम से रेस्ट करो और उन्होंने अपने ताल्लुक की बेस पर इनके वाल सामने चौथे महीने में प्रेगनेंसी के इनको नौकरी से छुट्टी दिला दी अब इसी दरमिया दौरानी में मैंने ये देखा कि वो जो बंदा था वो भी गायब हो गया अब वो बंदा गायब हो गया और फिर एकदम से वापस आया फिर देखा कि फिर वो आवाज़ें आ रही हैं भिन भिन करके उसके कमरे में से और बाहर इसी तरह जानवरों की तरह खाई हुई चीज़ें पड़ी हुई और जैसे ही ये वापस आया फिर वही हुआ कि उस रात जो थी ये इनकी भाभी और भाई जो थे सो रहे थे इनकी भाभी वॉशरूम गई तो ऊपर से पंखा नीचे गिर गया इनके भाई को चोट लगी है और इनकी एड़ी वेड़ी पर खासकर चोट लगी है एंकल जो होता है वो टूट गया लेकिन हैरत की मतलब हैरत की बात थी और बचत ये हुई कि इनकी भाभी उस वक्त वॉशरूम में थी तो उनको चोट नहीं लगी वरना हो सकता बच्चा ज़ाया भी हो सकता था लेकिन ये देखने के बाद बाकी घर वालों को तो नहीं फील हुआ लेकिन राबन जो था वो उसको ऐसा लगा कि ये कुछ अजीब सी हरकत हो रही है ये बंदा रात को कुछ कर रहा है अगले दिन घर में कुछ हो जाता है ये गायब होता है तो नॉर्मल रह रहा है कि, कि हो क्या आ रहा है अब जहन में एक चीज़ आ गई कि यार ये बंदा कुछ ठीक नहीं है ना ये किसी से बात करता है रात में जाता तक आए एक ही जैसे काले कपड़े पहनता है बराबर अक्सर रात मतलब बाहर कचरे में कोई लाल लाल पेस्ट पड़ा हुआ होता है वो क्या होता है खून होता है क्या होता है हड्डियाँ आधी खाई हुई बोटियाँ ये वो कच्ची बोटियाँ ये क्या है उसने सोचा अपने बाप से बात करूं तो नहीं सोचा भाई उनके बाप बोले कि पागल हो गए पढ़ लिख के ऐसी बातें कर रहे हो फिर वही बात की भाई मैं भाभी से बात करूं तो उनकी अपनी हालत खराब है उनसे बात बात वो उस चीज को मतलब सर पे ना ले लें तो उसने अपने भाई से बात की तो भाई ने उनकी सही की क्लास ली कि भाई तुम अजीब आदमी हो मतलब ये किस तरह की जालत वाली बातें कर रहे हो और वही बोला कि भाई तुम अपनी पढ़ाई करो और इन चीजों पे ध्यान ना दो अब ये होने के बाद ये थोड़ा डिजेक्टेड फील कर रहे थे तो नीने ऐसे ही भाई रामन साहब ने जो सर्वेंट रखी थी अमीना उसको ये पूरा माजरा बताया तो अमीना ने कहा कि मुझे खुद भी यही परेशानी है कि ये क्या हो रहा है और जब दोनों की आपस में बात हुई और फिर रियलाइजेशन हुई कि दोनों एक ही चीज सोच रहे हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है कुछ अजीब सा हो रहा है और कोई खतरा लग रहा है हमारे अपने घर पे तो अमीना ने एक तावीज बना के दिया कि तुम जो है ना किसी भी तरीके से इस बंदे के रात में जाना तो बाहर कहीं लटका देना कहीं छप्पर में छुपा देना ताकि पता चले कि ये बंदा क्या कर रहा है बगैर सोचे रामन ने वो चीज ली और रात में जब निकलता था सिगरेट वगैरह पीटे उसको उसके घर के आगे कहीं लगा के वो वापस आया और जैसे ही वापस आने के कुछ देर के बाद फरखंदा को इस कदर तकलीफ हुई पेट में कि तो उसको अस्पताल लेके जाना पड़ गया और अस्पताल में उन्हें बोला कि भाई बच्चा जो है काफ़ी तकलीफ में था और उसके बाद कुछ प्रोसीजर्स वगैरह किए और उनको बोला कि अब ये बिल्कुल बेड रेस्ट पर होनी चाहिए इनको हिलना हिलाना भी नहीं है अब जब ये वापस घर आई तो इन दोनों का जो शक था वो कन्फर्म हो गया कि ये बंदा कुछ कर रहा है और अमीना ने ही बोला कि ये उसका कोई अमल रोकने के लिए उसने कोई चीज दी थी जिसकी वजह से ये हुआ है तो इनको पक्का यकीन हो गया कि ये कोई काला जादू ये कुछ ऐसा कर रहा है अब क्योंकि इनकी जो भाभी थी उनकी सेहत बिल्कुल गिरती जा रही थी तो और उनको अब ख्वाब में बिल्लियाँ बड़ी बिल्लियाँ और एक आदमी से काले कपड़े पहने हुए ऊपर से नीचे तक शक्ल नजर नहीं आ रही वह अजीब किस्म का बड़ा सा ह्यूज आके कुछ ना कुछ किया जा रहा है इनके साथ और डॉक्टर्स बार बार यही बोल रहे हैं कि भाई ये एग्जॉस्ट हो जा रही है क्यों एग्जॉस्ट हो जा रही है तो रामन को ये लगा कि मुझे उसको पता समझ में आ चुका है उसको और अमीना को कि ये कोई बंदा जो है कुछ कर रहा है इनके साथ और इनकी फैमिली से कुछ कर रहा है जिससे इनकी भाभी को ख़तरा है और क्योंकि उनकी सेहत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि भाभी की वालदा भी अब इन्हीं के साथ रहना शुरू हो चुकी थी जब ये पूरी हिम्मत करके स्टोरी रामन ने उनकी वालदा को बताई तो उनने पढ़ना पढ़ना पढ़ाना शुरू किया घर में कुरान वगैरह लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों असर नहीं हो रहा तो उन्होंने अमीना से जब बात की तो उन्होंने अमीना ने कहा कि मैं कुछ करती हूँ मैं किसी को जानती हूँ और वो ये चीजों का इलाज करता है और रामन अपने बाप से और भाई से ये चीज छुपा रहा था क्योंकि उसको यही खतरा था कि वो इन चीजों में उनको बिलीव नहीं और वो बातें बातें सुनाएंगे और जलील करेंगे तो एक पूरा मतलब तो ये पूरा सेटअप हुआ और एक बंदा बुलाया गया अमीना साहिबा ने कोई बाबा लेके आई मुरादाबाद से और पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने एक पोटली सी बनाई और बोला कि ये उस बंदे के घर में डालनी है आपने कुछ भी हो जाए तो रामन ने सोचा कि आप हाँ ये पोटली मुझे दे दे, दे मैं कर देता तो कुछ और अब क्योंकि पूरे घर वालों को बता दिया कि भाई ऐसा हो रहा है और ऐसा करना पड़ेगा और उन्होंने ऑल दो वो बिलीव नहीं कर रहे थे लेकिन क्योंकि उनकी वालदा थी तो उनका लिहाज करते हुए इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया तो सारे लोग चले गए एक और जगह और रामन ने उस पोटली एक छोटे से पाउच के साथ आप घर की चाबी बांध दी और उस बंदे के घर पे पहुंच गया रात में और बेल बजाता रहा जब तक वो बाहर नहीं आया वो बाहर आया वो बात नहीं करना चाह रहा उनसे मिलना नहीं चाह रहा लेकिन उसने जबरदस्ती उसके हाथ में ये चाबी दी और उसको बोला आप मेरे पास न रखे मैं जा रहा हूँ मुझे काम है इमरजेंसी <coughs> है मेरे घर वाले आए तो वो बल बजाएंगे तो आप उनको ये चाबी दे देना बस इतना काम कर दिया वो बड़ी मुश्किलों से उसने वो चाबी ली और राम चला गया और वहां रिक्शा पकड़ गए जहाँ ये सारे बाबी के पास बैठे हुए थे और वहाँ उसने कुछ पढ़ाया पढ़ा और बोला बाबी ने कि वो आदमी जो है वो काला जादू करता है और वो इस बच्चे को मारना चाहता है क्योंकि उससे कुछ इसका कुछ अमल है जो उसके लिए उसको जरूरत है इस तरह की ये खून की या कुछ हरकत की तो फरखंदा को बचाने के लिए और उस बच्चे को बचाने के लिए उस आदमी को उस बिल्डिंग से निकालना पड़ेगा आपको कुछ भी हो जाए अब फैमिली जो थी यानी कि इनके बड़े भाई और इनके वालिद उनको ये हजम नहीं हो रहा था और वो बाबा बगैर कोई पैसा लिए बोल के चला गया कि मेरा काम था बताना बाकी आपकी मर्जी है और वो उठ के चला गया और ये भी बोल के चला गया कि जैसे ही मैं जहां से जाऊँगा उस आदमी को पता चल जाएगा कि आप लोग ये कर क्या रहे हैं उसको अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को पता चल गया है तो जब फैमिली घर गई उस आदमी से चाबी ली और चुपके से एक पौधे में जैसे बाबे ने बोला था वो जो पोटली छोटी सी पाउच थी दबा दी और घर चले गए और उसी रात चीखों की आवाज़ से वो ये सारी फैमिली उठी और फरखंदा के पास गई तो वहाँ पे उसने पहले बताया कि उसने देखा कि एक आदमी आके उसके पेट में छुरा मारा है और फिर देखा तो उसको ब्लीडिंग हो चुकी थी उसको फौरन अस्पताल लेके जाना पड़ा बहुत बुरी हालत थी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी और बड़ी मुश्किलों से कह रहे हैं कि बच्चा बचा है अब वो इतना खून जया हो गया था कि वो अस्पताल से निकालना मुश्किल हो गया था तो उसको वहीं एडमिट कर लिया और उनको बोला कि जब तक तो बच्चा डिलीवर नहीं होगा ये अब ये औरत यहीं रहेगी लड़की यहीं रहेगी तो ये तो बर्दाश्त लोग बाहर हो गया और ये सीधा उस बंदे के घर पहुंच गए उनके भाई ने उनके वालिद साहब ने पीटा घर उसने दरवाजा जब देखा कोई नहीं है तो अपने घर जाके बैठ गए कि जैसे ही ये बंदा आता है इसको हम छोड़ेंगे नहीं उसी वक्त अमीना ने बोला कि एक इमरजेंसी हो गई है मुझे अपने गांव जाना पड़ेगा बोला क्यों बोला कि इसकी बेटी जो है वो बहुत शदीद बीमार हो गई है और उसका बाप गांव में नहीं है तो जाना पड़ेगा उसको कोई देखने वाला नहीं तो वो फौरन एक मिनट लगा वेस्ट किए बग़ैर बग़ैर कुछ उठाए वो गायब हो गई वहाँ से अब ये लोग तो विल में बैठे हुए थे कि ये हमारी फैमिली ने इसका बिगाड़ा किया ये हमारे साथ कर क्या आ रहे और वो भी जा चुकी थी कि कुछ दिन के बाद तो कुछ दिन के बाद जो है वो बंदा वापस आया और उस वक्त तक फरखंदा की भी तबीयत बेहतर थी हो गई होती जा रही थी और बच्चे भी डेंजर से बाहर आ गया था लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि अस्पताल आए इस बात के दो हफ्ते के बाद यानी वो बंदा जब घर पहुंचा तो उसका भाई उसके वाले सब उसके घर पहुंच के दरवाज़ा पीटने लगे उसने दरवाज़ा खोला हल्का सा और बोला कि भाई उसने बोला कि हम घर में आके बात करना चाहते हैं तो उसमें दरवाज़ा नहीं खोलना मैं अंदर नहीं आने दूंगा तो उन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट के लोग हैं और ये है उसने बोला वारंट ले है मैं नहीं खोलना तो उन लोगों ने धक्का मुक्की करके और जोर आजमाई करके दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए और उसको जा पकड़ लिया अब वो क्या कहते हैं इन पे चीख रहा है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो और ये अंदर घुसे तो इन देखा कि एक साफ़ सुथरा सा फ्लैट है हॉल में दो बैग्स पड़े बीन बैग्स पड़े हुए हैं एक तरफ़ बड़ा सा टीवी है और क्या कहते हैं प्ले स्टेशन लगा हुआ है एक तरफ बेडरूम है और फिर एक बिल्ली देखी उन्होंने उसकी तीन डागे थी खाली और वे कोने में उसकी एक बैठ जगह थी वहां वो बैठी हुई थी और सब कुछ साफ सुथरा ना उसके बाद वो कमरों में जाने लगे वो बंदा चिल्लाने लगा कि ये मेरा घर है बाहर निकलो यहाँ से तो एक पहले कमरे में घुसे तो वहां देखा उन्हें एक बुद्धिस्ट प्रेयर एरिया बना हुआ है और छोटा सा श्राइन सा और फिर दूसरा कमरा देखा तो वो लॉक था तो वो चीखने लगा तो उन्होंने वो लॉक तोड़ के अंदर उससे तो देखा तो वो तो एक रहे। वो बेसिकली डार्क रूम था तस्वीरें डेवलप करने का और उसने उस पर हाथ हाथ छुड़ा के शोर मचा दिया मैं पुलिस बुला रहा हूँ तुमने मेरा पचहत्तर हज़ार का नुकसान कर दिया मेरी फ़ोटो अंदर रखी हुई थी तुमने दरवाज़ा खोल दिया रोशनी अंदर चली गई मेरी सारी फ़ोटोएँ ज़्यादा हो गई अब ये सब जब शोर शराबा शुरू हुआ और जो इन लोगों के जहन में एक था कि ये यूं कर रहा है काला जादू ये वो तो ये लोग हैरान और परेशान रह गए और उस की पैसों की बात सुन सुना के जब उनके वालिद ने बोला कि भाई तुम पचहत्तर हजार को रो रहे हो हमसे चार गुना ज्यादा पैसे ले लो हमारी जान छोड़ दो हमारी फैमिली की जान छोड़ दो क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो क्यों हमारे ऊपर अजीब किस्म के जादू कर रहे हो क्या हमसे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा ये सुन के वो बंदा हैरान हो गया और उसने बोला कि आप लोग मुझे पढ़े लिखे लोग लगते हो ये क्या तरीका एक तो आपने अख्तियार किया और ये क्या बातें तुम लोग कर रहे हो जादू टोने की ये क्या मजाक है तो उन्होंने अपना जब माजरा बताने लगा कि वो बेटी और ये और वो और रात को खून और इस तरह के खाब और ये सब कुछ तो कुर्सियाँ लेके आया और उनको बिठाया और, और मतलब चाय वाय बनाई और फिर उसने अपना बताया कि मैं बेसिकली कौन हूँ पहले तो उसने इनको बोला कि यह क्या तरीका था घर में किसी को उसने गया ये क्या पढ़े लिखे लोग लुक ऐसा करते हैं फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं बेसिकली लद्दाख यानी नॉर्दर्न इंडिया की तरफ के रहने वाला हूँ पहाड़ी और मैं तिब्बत मतलब बेसिकली बुद्धस्ट उसका उसका हूँ रिलीजन का फॉलोअर और तिब्बत की ज़बान में तिब्बतीन लैंग्वेज में इबादत करता हूँ जिसकी वजह से वो जो इबादत का तरीका था वो बाहर आवाज़ ऐसी आती जो समझ में नहीं आती वो भिन्न भिन करके एक चार्टिंग चलती है तो वो करता हूँ इसके अलावा मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ फ्री लांस जिसकी वजह से मैं अक्सर किसी ट्रिप्स पे शादियाँ फ़लाना इवेंट्स में निकल जाता हूँ और ये जगह मेरे लिए बड़ी सेंट्रल थी इसलिए मैंने ये जगह ली थी ताकि मेरा यहाँ डार्क रूम हो मैं तस्वीरें यहाँ डेवलप कर सकूँ और थोड़ा बहुत आर्ट वर्क का काम करता हूँ जिसकी वैसे पेंट्स फेंकता रहता हूँ जैसे लाल पेंट कभी कुछ कभी कुछ तो लास्ट प्रोजेक्ट था उसमें लाल बहुत इस्तेमाल हुआ था जो इस्तेमाल कर चुका तो बाहर फेंक दिया तो फिर वही गोश्त वगैरह की बात हुई तो बोला ये बिल्ली है तीन टांगों वाली ये हिल सकती नहीं है तो उसके लिए मुझे अगर लाल आके इसको देना पड़ता है ताकि ये खाए और इसको मैंने पाला वा अब ये सुन के ये सब हैरान हो गई कि ये क्या बात हुई इसको तो हम क्या समझ रहे थे तो क्या निकला अब यह सुनने के बाद उसने मुझे उसने बताया कि वैसे तो वो इतना रिलीजियस नहीं है लेकिन वो एक बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री में बड़ा हुआ था उसका बाप एक मंक टाइप की शख्सियत है और कुछ कुछ दिन उसको बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कि बहुत ज्यादा कुछ इवल किस्म की बुराई सी इस जगह पे उतरी है जो जो दिन पता किए तो पता चला वो वो दिन थे जिस दिन एक तावीज़ रखा या वो किया या वो जो पुड़िया वो उसे बांध की चाबी दी और ये सारे अमलात जिस दिन थे उस दिन उसको काफी ज्यादा वहशत हुई थी और फिर वहाँ से जब बात निकली फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझ में आने लगा तो ये सुनने के बाद उसने बोला कि मैं अपने एक काम करता हूँ आप लोगों की परेशानी मुझे देख के लग रहा है कि बहुत सीरियस है तो मेरा बाप जो है वो थोड़ा ऐसा आदमी है कि वो ऐसी चीज़ें फ़ील करता है मॉनेस्ट्री में रहता है तो उसको मैं बुला लेता हूँ तो वो भी एक नज़र बैठेगा यहाँ तो वो आपको कुछ गाइड कर पाएगा तो वो उनको उनको जब बुलाया तो वो भी एक लहीम शहीम आदमी थे पहाड़ी इलाके के रहने वाले तो वो आए तो उन्होंने आते के साथ ही बड़े मियाँ ने बताया कि यहाँ कोई चीज दफन हुई हुई है किसी गमले में किसी पौधे के पास तो उसको याद आया कि वो चाबी के साथ जो पुड़िया थी जो उस बाबे ने दफनवाई थी उसको निकाला उसको निकाला उसको जला के फेंका उसके बाद फिर पता चला और उन्हीं बाबे ने बताया कि हमारे घर से नहीं आपके अपने घर के अंदर से किसी ने उस लड़की पर अमल किया है ये सुनने के बाद इन सब का ध्यान अमीना के ऊपर गया बाहर से तो और कोई है नहीं तो गैराज में जब गए उसकी चीजें देखने जो पड़ी हुई थी तो देखा कि फरखंदा के बाल कुछ उसकी तस्वीरें बच्चे का अल्ट्रासाउंड और इस तरह की कुछ चीजें कोने में कहीं छुपाई रखी हुई थी अब ये देखने के बाद उसके बाप ने जिस आदमी के कहा कि वो आपके उस बच्चे को मारना चाह रही है या कुछ करना चाह रही है उसके साथ हमारा तो उससे कोई कसूर नहीं है फिर जो इनके वाले साहब थे कपूर साहब उन्होंने कहा कि फिर ये इन्वेस्टिगेशन जब करवाई तो पता चला कि वो जो अमीना साहिबा थी उसकी अपनी बेटी को कोई एक मर्ज था और वो जादू का कुछ ड्रामा कर रही थी वो जो बाबा आया था वो भी कोई बाबा नहीं था वो भी उन्हीं का कोई रिश्तेदार था जो कि मिल के कोई जादुई अमल करना चाह रहा था जिससे इस औरत का बच्चा मर जाए और उस औरत को बच्चा हो जाए अब क्योंकि इन लोगों ने कभी तस्वुर नहीं किया और ये आदमी ऐसा मिल गया जो कि मतलब कभी घर पे नहीं होता अजीब हरकतें करता तो उसने सारा इनके ऊपर थोपा उस आदमी पे और वो भाग गई और वो भागी इसलिए क्योंकि जब वो अस्पताल में ट्रांसफर हो गई तो उसका काम था बच्चा पैदा होने से पहले मानना जब उन अस्पताल में फिक्स हो गई तो उसका जो सारा अमल किया हुआ था वो उस घर पे किया हुआ था वो तो सारा ज़ाया हो गया तो इससे पहले कि वो अमल इस पर उल्टा होता वो भाग गई बकौल इनके वो अस्पताल में रहते हुए एक बच्चा भी हो गया सब नॉर्मल हो गया और इन बुद्धिस्ट लोगों से इनकी क्या कहते हैं ताल्लुकात आज भी हैं और वो जो फोटोग्राफर था उसका नाम भी शेर शेर करके कुछ था वो भी स्वीडन जा चुका लेकिन जब भी आता है तो मुलाकात ज़रूर करता है और ये जो है ध्रुव साहब अभी भी रामन के दोस्त हैं तो थैंक यू फॉर दैट वेरी लॉन्ग स्टोरी आई होप आवर व्यूअर्स इन्जॉयड इट एंड मैंने कोशिश की ये कतल ना करूँ मैं उसे स्टोरी का लेकिन अफसोस कि आज का दिन इतना लंबा हो गया है कि क्या करता आ, थोड़ा खैर अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ हमारा अब हम बात करते हैं मलिक साहब की वाले मलिक साहब जो हैं वो हमें स्टोरी लिखते हैं और ये बेसिकली सरकोदा से इनका ताल्लुक़ है और ये शेयर कर रहे हैं अपने नाना की स्टोरी जो कि तकरीबन दूसरा या तीसरा नाना हो चुका है इस एपिसोड में तो अब ये उन 1967 के दौरान ये की बात है इनके जो नाना थे ये आर्मी में थे और इनकी पोस्टिंग कराची हुई 67 में तो ये कह रहे हैं कि जिस जगह ये पोस्ट हुए तो बड़ी 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 मतलब इमारतें थी बड़ी जगह थी और बड़े मतलब घर के बराबर में एक जंगल सा है और मतलब बड़े मतलब वास्ट एरिया पे चीज़ें बनेंगी बड़े बड़े फासले पे चीज़ें बनी हुई पड़ोसी भी फासले से और सब कुछ जो पुराने ज़माने के ब्रिटिश पीरियड के बने हुए आर्मी कंटोनर्ट्स वगैरह अब कहते हैं कुछ तीन मतलब समरी कर रहे हैं पूरे स्टोरी की इन तीन पार्ट्स ये कहते हैं कि जैसे ही उस घर में ये लोग मुंह हैं नाना नानी ना, वो तो कुछ अजीब हरकतें वहां होती थी जैसे कोई अम्मी की आवाज दे रहा है कोई अबू की आवाज दे रहा है जबकि उस वक्त कोई बच्चे नहीं थे इनके और रात में मतलब बाद में मतलब कभी चलने की आवाज़ या कुछ ऐसा फीलिंग जैसे कोई उनके बराबर में बैठा है दरवाज़े खोल बंद होना और बाद में बच्चे जो थे वो फिर डरते थे रात में और बाथरूम में ऐसा लगता था कि कोई है जब कोई इस्तेमाल कर रहा है खोलो तो कोई नहीं होता था लेकिन पानी पड़ा होता था और इस तरह की कुछ अजीब हरकतें वहाँ होती रहती थी लेकिन वक्तन फवकता ये कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ती गई अब ये कहते हैं कि एक दिन दस बजे का टाइम था तो सुबह की रात भी नहीं आर्मी वालों के साथ एक खादिम होता है गार्ड कहले उसको बैटमैन कहते हैं हम आम आमतौर से तो वो इनकी मतलब ग्रैंड मदर जो थी वो नानी घर पे अकेली थी और बैटमैन था कि वो अपने किसी काम में लगी हुई थी कि अंदर आया बैटमैन और उसने कहा कि जो इनका खातिम था वो अंदर आया और उसने कहा कि काफी देर से कुछ तीन औरतें गेट पे खड़ी हैं बाहर और कुछ नहीं कर रही हैं सिर्फ घर की तरफ देखी जा रही हैं सफेद साड़ियां है उन्हें पहनी है कुछ ज्वेलरी सी पहनी हुई है पता नहीं कौन है उन्होंने पूछा तुमने पूछा तो उन्होंने इनका तो तो नाम लेके कहा कि उन्होंने आपका नाम लेके बोला कि हम इनको जानते हैं और मुलाकात करना चाहते हैं इनसे यह सुन के हैरान हुई और बकौल इनके के ये तो किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी बोला हो सकता है कोई आयो पड़ोस वगैरह से कोई इस तरह की कोई सीन हो तो उनको बुला लिया उसको खादिम को बो बोला कि भाई अंदर इनको ला के बैठाओ ड्राइंग रूम में और मैं हाथी उनको वो अंदर ले आया और वो तीन अजीब सी औरतें अंदर आके बैठी बकौल इनके के रंग उनका थोड़ा फीका था हाँ गले में ज्वेलरी भी थी और सफ़ेद इनी ने वो पहना हुआ था साड़ियाँ और आते के साथ ही ये सलाम दुआ करने की कोशिश की लेकिन वो सिर्फ सवाल में बात करनी थी आप कौन है आपके बच्चों का क्या नाम है आप यहाँ पे क्या करने आई हैं कितने अरसे रुकेंगी और इस तरह की बातें और ऐसी उर्दू इस्तेमाल कर रही थी कि बहुत ही पुराने ज़माने की उर्दू जो कि आम तौर पे अब इस्तेमाल नहीं होती और अलग अलग सा सवाल पूछे पूछे पे पूछे उमर फलाना ढमाका आप मतलब ये सब कुछ करते करते ये थोड़ी ऐसी बकौल इनकी नानी के कि वो आई कांटेक्ट तो इनका ऐसा था कि वो पलक भी नहीं झपक रही थी बस इनसे इनको देखे जा रही है और बोले जा रही है बोले जा रही है बोले जा रही है। कुछ देर ही में इनकी नानी थोड़ी सी उकतासी गई और परेशान भी हो गई और एक वहशत सी भी आने लगी तो वो उठ के बहाना करके कि मैं पानी आपके लिए लेके आती हूँ वो करके उठ के फ़ौरन निकल गई और किचन में से पानी लेके जब पलटी तो ड्राइंग रूम में कोई नहीं था अब ये देखने के बाद ये तो परेशान हो गई कि वो कहाँ गई उसको बुलाया खादिम को उसको वो बोला और खादिम के साथ ने पूरे घर का छप्पा छप्पा छान मारा वो कोई नहीं मिला उसको खादि को बाहर निकाला बाहर दौड़ाया पड़ोसियों से पूछा लेकिन कोई ऐसा शख्स न तीन औरतें खासकर नज़र नहीं आई पूरे इलाके में और अजीब परेशानी हो गई कि वो हमने देखी है वो कहाँ जमीन निकल गई आसमान खा गया क्या हुआ अब ये कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि जिसको बताओ उसको समझ में ना आए और फिर ये बात आगे पीछे हो गई छोटी मोटी ऊंची नीचे होती नहीं दरवाजा खुल रहा है बंद हो रहा है इस तरह का कि एक टाइम मतलब गर्मियों का आया जून जुलाई का के शदीद गर्मी पड़ रही दिन में बर्दाश्त से बाहर अब एक दिन ऐसा आया कि भाई दिन में शदीद गर्मी पड़ी लेकिन रात को एक बड़ी ठंडी शाम होती चलने शुरू हो गई हवा अब जब ठंडी हवा चलने लगी और इनकी जो नानी है वो काफी इबादत गुजार थी तो उन्हें सोचा कि आज जो है वो रात में बाहर नमाज पढ़ूंगी तो ईशा के बाद तहजद के लिए ये मतलब ईशा भी पड़ी होगी तो अंदाजन तहजद के लिए भी वो बाहर लॉन में निकल गई जब उन्हीं ने जा नमाज बिठा बिछा के पढ़नी शुरू की और वो रुकू में गई तो नज़र एकदम से पड़ी तो देखा कि कुछ बच्चे कहीं खड़े हुए नज़र आ रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में तो उसको इग्नोर किया क्योंकि नमाज में थी और नमाज़ कंटिन्यू की तो उसके बाद जब वो बैठी है सजदे में गई और सजदे में जब उठ के बैठी देखा कि आस पास में इनके पास कुछ बच्चे अजीब से खड़े हुए हैं इनके लंबे लंबे हाथ हैं जो ज़मीन तक जा रहे हैं चार चार फुट के तीन फुट के बच्चे इनके इतने बड़े हाथ के ज़मीन को तो टच कर रहे हैं नमाज ख़त्म करते हुए इन नोट किया कि वो जो बच्चे हैं उनकी शक्लें भी इंसानों वाली नहीं है बगैर बालों के बिल्ली और कुत्तों जैसी शक्लें अब ये देख के ये तो डर गई लेकिन ये बैठी मुसल्ले पे थीं ये आए पढ़ना शुरू कर दिया आयतल कुर्सियाँ और सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया लेकिन वो जो बच्चे थे वो खड़े इनको घूरते रहे एक वक्त आया कि इन्होंने उनको बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ से जाओ चले जाओ यहाँ से मैं मुझे तंग नहीं करूँ और मैं अल्लाह की इबादत कर रही हूँ मुझे तंग नहीं करूँ मुझे नमाज पढ़ने दो और इस तरह की बातें शुरू की तो वो पीछे हटते हटते पीछे जंगल की तरफ जो थोड़ी सी ग्रीनरी आ रहे थे उसके अंधेरे में जाके गायब हो गए उसके बाद इन्हीं ने जब सामान उठाया और सीधा अंदर भागी और नाना को जब सारी स्टोरी बताई तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी पोस्टिंग बदल जाए उस वक्त तक सवर करो मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि यहाँ कोई मसला है अब कुछ दिन गुजरे बात तय हुई ओकाड़ा की कि इनकी पोस्टिंग चेंज हो रही है तो ओकाड़ा भेज रहे इनको कुछ दिन और गुजारने थे बस जाने से पहले तो वो कह रहे हैं कि भाई सामान वामान की तैयारी हो चुकी थी भेजने की और ये लोग अब रात में खाना खाने बैठ रहे थे डा, डाइनिंग रूम में बच्चे भी थे ये भी थी सब कुछ बैठे हुए थे और डाइनिंग रूम में एक बड़ी खिड़कियां थीं जो खुली हुई थी और हवा आ रही थी उधर से ये इनका जो बैटमैन था यानी खादिम वो रोटियां लेके फ्रेश किचन से आया किचन मतलब टेबल रखी और सबने जैसे खाने के लिए मतलब बढ़ाया हाथ बढ़ाए एक तो लड़कियों की आवाज आई उन लड़की जैसी आवाज आई कि हमें भी भूख लगी है हमें भी देखने वाला बना दो यह सुन के हर कोई शौक में चला गया क्योंकि सारे खामोश थे और ये आवाज इतनी क्लियर आई थी खिड़की की तरफ से जैसे कोई बाहर खड़ा हो के अंदर मुंह करके बोल रहा हो हर कोई अजीब सा हो गया नाना के अलावा नाना ने बड़ा क्लियर उनको बोला ये अंदर हाथ आ, हाथ दो और रोटी ले लो जब उन्होंने ये कहा तो एक पतला सा बिल्कुल हड्डी हड्डी जैसा हाथ जिसपे अजीब किस्म के बाल चिधरे चिधरे कहीं 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 बड़ा नाजुक सा कमज़ोर सा जिसकी सिर्फ तीन उंगलियां थीं और उस पर अजीब किस्म के लंबे खतरनाक से गंदे नाखून वो अंदर आया और उसने कुछ नहीं बोला और बच्चे चीखने लग गए और इनकी नानी मतलब जो थी वो भी चीखने लगी तो उनके नाना ने उनको तसली दी बोला कि बच्चों को लेके ऊपर के, के कमरे में जाके ताला लगा दो नाना ने बड़े हिम्मत के साथ वो रोटियां उठाई कपड़े में लपेटी और जाके हाथ में उसके रख दिया वो हाथ रोटियों को पकड़ के बिल्कुल जल्दी से पीछे हुआ और ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई वहां से चल के चला गया कहीं। अब सब बच्चों को ऊपर मास्टर बेडरूम में बेटा बेगम के साथ बंद करके ब्लॉक करके ये इन्हीं ने बैटमैन को खादिम को पकड़ा कंपनी राइफल निकाली और बाहर निकले कि ये ढूंढे कौन है पड़ोसी को भी पका बुलाया और इन्हीं ने फिर वो बड़े एरिया के अंदर जंगल टाइप ग्रीन एरिया के अंदर बेल्ट में उसको तलाश करने लगे लाइटें मार रहे टॉर्चे मार रहे देख रहे लेकिन बाहर कुछ नजर नहीं आया ये फिर एक वापस जब खिड़की तरफ से घूमे तो फिर उनको एहसास हुआ कि एक पुराना किचन था जो घर से जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ कोई लाइट वाइट नहीं है तो ये उस तरफ जब गए तो उनको आवाज आई जैसे कोई कुछ चबा रहा हो फिर थूक रहा हो फिर इस तरह करके आवाज तो जब वो वहां जाकर टॉर्च मारी तो देखा के कुछ रोटियां नजर आई और उसके बाद एक काला सा कोई धड़ वाली चीज नजर आई जो बिल्कुल पतली सूखी सी थी उसके सर पे कुछ सफेद से बाल थे और उसका मुंह जो था एक अजीब कुत्ते जैसा था उनके नाना ने उसकी तरफ राइफल तान ली और सपू बोला कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो वो अपना चबाता रहा और उसके बाद एकदम से उसने खाना रोक के इनकी तरफ मुड़ के बोला कि मैं कुत्ता हूँ और मैं ऊपर से आया हूँ और इशारा किया आसमान की तरफ यह सुन के नाना को अजीब सा खौफ महसूस हुआ और उसको बोला कि दफा हो जाओ यहाँ से और हमें पत तंग करो और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उसने अजीब खुर्राने वाली आवाज़ें निकालना शुरू की और आवाज़ें वो निकालता रहा ये पढ़ते रहे और फिर वो उठा और वो जंगलों की तरफ दरख्तों में की तरफ भागा उस रात ये कहते हैं कि कोई नहीं सो सका एक मिनट और फिर ये लोग गेस्ट हाउस शिफ्ट हुए जब तक ये उड़ा शिफ्ट नहीं हुआ वहां से अब तो ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है जब इतनी गुंजाद आबादी हो गई कि घरों के बीच में कोई गैप नहीं है लेकिन उस टाइम के हिसाब से बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी तो ये थी आज की स्टोरियाँ और थैंक यू फॉर राइटिंग दिस इन मलिका माथा और डॉक्टर अगेन साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टोरियाँ नहीं आ रही कम आ रही हैं तो बड़ा सर्च कर कर ये करना पड़ता है कुछ तो छोटी छोटी स्टोरियाँ होती हैं ऐसी बात है उस पर एपिसोड एंड करेंगे तो मजा नहीं आएगा तो प्लीज कीप राइटिंग इन और फैशन uh, चलाने के लिए तो ये करना पड़ता तो अभी मुझे खैर छोड़े तो प्लीज़ लुक आउट फॉर इच अदर और प्रे कि करोना की वबा ख़त्म हो और हमारे दो तो दोस्त सफ़र कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर उनकी भी जान बचे मतलब महफूज रहे और हमारी भी जान महफूज रहे और अकल से काम ले जज्बात से नहीं एंड स्टॉप द वायरस स्टॉप द स्प्रेड तो थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफिज़